रोड है, अभी उसकी स्थिति हम आपको दिखाएंगे। मैं तो कहूँगा सड़कें हैं कहाँ। मैं आई डोंट वांट टू सी दैट, मतलब कि रोड शुड बी लाइक दिस, मतलब कि इस तरह का नहीं होना चाहिए हमारे मतलब कि देश में। नमस्कार, मैं हूँ कविता। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में, और यहाँ की जो रोड की स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यहाँ के जो मेन रोड हैं उनके चौक चौराहे की स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ आए दिन दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ के रोड की स्थिति है, जहाँ रोज लीपा पोती होती है और रोज़ फिर यही हालात हो जाते हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। ये जो यहाँ का जो अंबिकापुर है वो नगर निगम में आता है, और नगर निगम भी सिर्फ इसी काम में लगा हुआ है कि सिर्फ लीपा पोती करना है और काम को टालते जाना है। सर आपका? राकेश कुमार अग्रवाल मेरा नाम है जी। मैडम, यहाँ रोड की स्थिति हमेशा आए दिन यही बनी रहती है, और जब भी कोई शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, और यहाँ पे आते हैं और मिट्टी, वैसे मिट्टी और गिट्टी भर के चले जाते हैं। इससे क्या है, दुर्घटना और बढ़ जाता है। जो गिट्टी हम लोग को दुकान में मतलब छिटक छिटक कर, जैसे गाड़ी चलने से फूटता है ट्रक के। कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना हुई थी यहाँ पे कि गिट्टी के जो निकलने से मतलब टायर में टायर छिटकने से उनका सिर जो है ना फट गया था हमारे ट्रैफिक वाले का, और जब भी आते हैं यहाँ लीपा पोती करके चल जाते हैं। सर, तो ये जैसे चौराहे में आप देख रहे हैं कि ये मेन चौक पे है, ये यहाँ का अम्बेडकर चौक है, और ये स्थिति लगभग आए दिन बनी ही रहती है कि यहाँ पे गड्ढा होता ही है। यहाँ पे हमेशा बने ही रहती है स्थिति, गड्ढा अगर होता है तो निगम के कर्मचारी आते हैं, सिर्फ बालू और मिट्टी ही डाल के जाते हैं, कभी रोड को अच्छे से बनाया नहीं करते। अच्छा, तो सर और जैसे ये तो मेन चौक है, जो अंबिकापुर के और इलाके हैं उनकी क्या स्थिति है? आपने तो देखा ही होगा सब जगह बस यही लीपा पोती चल रही है मैडम। और रोड की स्थिति क्या वहाँ पे? रोड की स्थिति नहीं मैडम, बनारस रोड में चल जाइए, मतलब अगर गलती से कोई मंत्री चल जाए तो पता चल जाएगा उसको कि क्या स्थिति है करके यहाँ की। और हमने यहाँ पे देखा भी है कि जब कोई मंत्री यहाँ से आते जाते हैं जब मंत्री यहाँ से, तब रोड को चकाचक किया जाता है कुछ समय के लिए। बिल्कुल चकाचक कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा चकाचक करते हैं कि 4-5 दिन से ज़्यादा यहाँ पे चलता नहीं है रोड। ये था हमारा अंबेडकर चौक, जहाँ से और बड़ी शहर में जाने वाले रोड को जोड़ता है। यहाँ हमारे सीधे में आप देख रहे हैं बनारस रोड है, अभी उसकी स्थिति हम आपको दिखाएंगे। हम हैं बनारस रोड में, और बनारस रोड की स्थिति आपको दिख रही है। ये यहाँ का रोड इतना ख़राब हो चुका था, जो यहाँ बहुत इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे जिसमें आए दिन एक्सीडेंट होता रहता था। यहाँ पे PWD के द्वारा मिट्टी डाला गया है, और वो मिट्टी बीच सड़क पे डाला गया था। जब हम यहाँ आ रहे थे तब वो बीच सड़क पे था, जब हमने वहाँ के ठेकेदार से बात किया तो उन्होंने फिर इस मिट्टी को JCB बुला के भी साइड में कराने का काम किया है। इससे पहले जो यहाँ के राहगीर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसको समतल किया जा रहा है सिर्फ काम चलाने के लिए। अभी देखते हैं कि ये रोड कितना बनता है, और ऐसी स्थिति अंबिकापुर में बहुत जगह पे है, जो आज हम आपको दिखाएंगे। हमें अंबिकापुर के गंगापुर में, और हम अभी जिस जगह पे हैं वो कन्या परिसर और यहाँ के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसको जोड़ने का रास्ता है ये जो आपके सामने है। इसकी दुर्दशा आपको दिख रही है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो पानी से लबालब हैं, और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो किन किन परेशानियों से गुजर रहे होंगे वो तो आपको ये देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं इन गड्ढों से। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कंचन सिंह। समस्या तो है, परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बरसात के समय में देखिए इतने गड्ढे भरे हुए हैं यहाँ पानी, फिर आगे में देखिए वहाँ चौक के पास पानी, इतना पानी होता है कि आने जाने में समस्या होता है। छोटे बच्चे लोगों का ये प्ले स्कूल अभी चालू हुआ है, बच्चे लोगों को ले जाने में दिक्कत होता है, और दुकान हम लोग को जाना पड़ता है, कब समस्या तो है, बिना जूते चप्पल के तो हम जा ही नहीं सकते। दीदी, आए दिन दुर्घटना की संभावना भी यहाँ बनी रहती होगी, क्योंकि गड्ढे हैं, कितने गड्ढे हैं पानी के वजह से। हाँ, गाड़ी भी नहीं आता है, कभी कभी तो कार वगैरह भी फंस जाता है, फिर निकालना पड़ता है, काफी समस्या तो होती है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कन्या परिसर में पूरा स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, रास्ता में चलने फिरने में सब में दिक्कत जा रहा है। जब तक रोड नहीं बनेगा, साल भर हो गए हम लोग को आए हुए यहाँ, साल भर से ऐसे ये रोड पड़ा हुआ है, दुर्घटना होता रहता है।
हम अंबिकापुर के बिसुनपुर से जो रोड गोरसी डबरा के लिए जोड़ती है उसमें और उसका हालत आपके सामने है कि वो कितना खराब है, क्योंकि ये शहर से थोड़ा दूर है, शहर से लगा हुआ ही है लेकिन नगर निगम के अंतर्गत ही है लेकिन शहर से थोड़ा सा दूर है, इसलिए इस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। रोड ऐसे ही खराब है और यहाँ पे मेरा भी आना जाना हुआ है, जब से मैं देख रही हूँ तब से कोई मरम्मत नहीं हुआ है रोड का और रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम यहाँ के जो सम्मानीय नागरिक हैं जो यहाँ पे जिनका घर है इसी रोड पे, हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम राजाराम लकड़ा है जी। मैं रेन इंजीनियर जापान में हूँ जी। मैं जापान का चीफ इंजीनियर हूँ मैं जी। अभी छुट्टी में हूँ जी इस वक्त, और इस वक्त हमारे रोड कई बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, मतलब कि अपना नगर निगम में भी हाँ। नगर निगम के पार्षद से कंप्लेन कर चुका हूँ हाँ। तकलीफ में बोला कि एक हाईवे मतलब कि गिट्टी गिरवा दीजिए, उसे बिछवा दीजिए ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन वो बोले हो गया आप लोगों का ये हो गया, क्या बोलते हैं, सेंक्शन हो चुका है, कार्य चालू हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन आप इतना साल हो गया कार्य अभी तक हुआ नहीं, अभी बरसात आ गई है, बरसात में बोले जाके देख लीजिए एक बार, आप लोग दर्शन देख लीजिए कैसी कंडीशन है, हम लोग की गाड़ी कैसी निकलती है, हम लोग गिरते पड़ते कितना हम लोग तकलीफ से निकलते हैं, तो गड्ढा कम से कम 1.5 फीट है, 1.5 फीट का गड्ढा है, उसमें से आप लोग पार होते हैं किस तरह से, हम लोग यहाँ से अपना मेन रोड क्रॉस करते हैं, तो हम लोग कंप्लेन कर चुका हूँ कम से कम एक हाईवा गिरा दीजिए, गड्ढे को पार दीजिए, कम से छोटे गिट्टी जिसमें मतलब हम लोग को डस्ट बोलते हैं उसको गिराने बोलता हूँ, उन लोग भी नहीं गिरा आज तक, ये मैं मतलब कई बार बोल चुका हूँ, इसके बाद भी नहीं होते तो मैं भाई चुपचाप हूँ, क्यों अपने मतलब मत्था पीछे करते रहूँ, लोग चल रहे हैं स्टेक है, लेकिन मैं अकेला अभी मैं पूरा रोड का ये जो देख रहे हैं काटा हुआ हूँ, अकेला यहाँ से लेकर वहाँ पर मतलब 100 कितना मीटर होगा, 200-300 मीटर है पूरा, मतलब गड्ढा को मैं काटा हूँ पूरा अपने बरसात में, पूरा यहाँ से काट के लेके चल के फिर मतलब कि गड्ढा को ये हो जाता है, इस तरह से हमारा पूरा मतलब कि अपने से सेल्फ, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू सी इट, मतलब कि रोड शुड बी लाइक दिस, मतलब कि इस टाइप का नहीं होना चाहिए हमारे मतलब के देश में, ये थोड़ा सा मतलब कि नगर निगम से थोड़ा सा दूर हुआ फिर भी मतलब इसका मतलब कि कितना 2-3 साल हो गया कितना कोई ये नहीं है। कैलाश मिश्रा हूँ मैं, नगर निगम में सांसद प्रतिनिधि हूँ और भाजपा में 2 प्रकोष्ठ में हूँ, बाकी कैलाश मिश्रा ही अच्छा लगता है जो परमानेंट रहेगा हमेशा। सर यहाँ पे जो अभी सड़कों की जो स्थिति बनी हुई है बहुत ज्यादा खराब है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, आए दिन दुर्घटना होती रही है जी। सर उसमें आपका क्या कहना है? मैं तो कहूँगा सड़कें हैं कहाँ, गड्ढों में सड़क है, और सभी वार्डों में आप अभी देख लीजिए लगातार महामाया चौक से लेके महामाया मंदिर चौक मंदिर तक जी। फिर आप भारत माता चौक से लेके दरिमा मोड़ तक, अंबेडकर चौक से लेके बनारस रोड चठिरमा तक, मतलब हर रोड जो है गड्ढों से भरा है, सड़क तो दिखती ही नहीं, और गड्ढों में इतना पानी भरा हुआ है कि जो भी चाहे 2 चक्के वाले हो 4 चक्के वाले हों, बहुत तकलीफ़ों से पूरा शहर गुजर रहा है, और शहर अभी से नहीं गुजर रहा है, 2017 से ये 3 सालों से गुणवत्ता ऐसी है कि आप अभी चौपाटी के सामने देख लीजिए, अभी लॉकडाउन में उस पर मरम्मत हुआ था सड़कों का, और अभी आप देख लीजिए तो उखड़ गई है, तो सड़कें तो है ही नहीं, और ये हर बार बोलते हैं कि जब आप लगाइए महापौर को फ़ोन तो बोले अरे अभी मैं दिखवाता हूँ, तो ये शहर में रहते नहीं है क्या कि इनको दिखवाना पड़ता है, या शहर का ये भ्रमण नहीं करते क्या कि इनको शहर की स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो बड़ी विडंबना है। और नगर निगम की कांग्रेस सरकार जो लगातार 7 साल से है, पहले ये बहाना बनाती थी कि राज्य में भाजपा की सरकार हमको फंड नहीं मिलता, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो फंड भाजपा सरकार में राज्य सरकार में मिला वो आज इनके 2.5 साल में पैसे को तरस रहे हैं, और जितना प्रस्ताव ये भेजे हैं शासन को इनको पैसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की माली हालत ही ठीक नहीं है, इसलिए बड़ी विडंबना है शहरवासियों की कि ऐसे सरकार को चुनकर बहुत तकलीफ पा रहे हैं, और सड़कें तो है ही नहीं।